नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्स ऑफ कार एसेसरीज में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं स्विफ्ट 2021 मॉडल में 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर लगाने का पूरा इंस्टॉलेशन, किस तरह से हम पुराने प्लेयर को कंपनी फिटेड वाले को निकालते हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा हम कहाँ लगाते हैं, सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग कैसे होती है। तो ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये है वो गाड़ी न्यू स्विफ्ट जिसमें हम लगाने वाले हैं एंड्रॉयड प्लेयर 9 इंची। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसका ओरिजिनल प्लेयर जो कंपनी फिटेड आता है। इसका जो लुक है प्लेयर का इस तरह से होता है, ये देखिए इसमें टच स्क्रीन नहीं आता, नॉर्मल होता है। और हम इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो चालू करेंगे। ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल है ये प्रॉपर वर्क करेंगे हमारे एंड्रॉयड प्लेयर में। तो ये है वो प्लेयर जो हम इसमें लगाने वाले हैं। इसी के साथ लगाने वाले हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि MK ब्रांड का आएगा, और ये है स्क्रीन, टच स्क्रीन 9 इंची की MK ब्रांड की। और इसी के साथ जो आता है ये केबल जो सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग के काम आता है। तो इसको फिटिंग का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना किस तरह से हम इसको प्लेयर को निकालेंगे, लगाएंगे, USB कहाँ आएगी और रिवर्स पार्किंग कैमरा कहाँ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं प्लेयर सबसे, और हमारे प्लेयर इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे यश भाई। यश भाई, इसको स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? स्टार्टिंग में हमको ये सिल्वर प्लेट निकालनी पड़ती है, ये वाली प्लेट। चलिए करिए स्टार्ट, करिए किस तरह से होता है वो दिखाइए। ओके ओके ओके। तो ये प्लेट खोलने के बाद दो स्क्रू खुलेंगे और ये प्लेयर पूरा जो है बाहर आ जाएगा। चलिए स्क्रू खोलिए। तो दोनों स्क्रू खोलने के बाद प्लेयर को इस तरह से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद वायरिंग की बारी आती है। ये जो आप वायर दिख रहे हो इन सबको एक एक करके रिमूव किया जाएगा। सबसे पहला मेन सप्लाई का वायर होता है, उसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल, एंटीने के जो सब वायर हैं सबको एक एक करके अलग कर दिया जाता है। और किस तरह से एंड्रॉयड में लगाया जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो प्लेयर हमारा पूरा लग चुका है। ये है मेन वायर, इसी के अंदर सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये है हमारे एंड्रॉयड की केबल। तो दोस्तों सॉकेट का ये जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, ये वाला यही गाड़ी के ब्लू कलर के सॉकेट में लगेगा और ये वाला पार्ट प्लेयर में लगेगा। इस तरह से ये वायरिंग सॉकेट टू सॉकेट देखिए इस तरह से की जाती है। बस ये वायरिंग अब हो चुकी है, दूसरी कोई भी वायरिंग नहीं करनी। ये वाला पार्ट प्लेयर में लगाएंगे और प्लेयर जो है ऑन हो जाएगा। दूसरा ये जो सॉकेट है ये है एंटीने का, इसको भी इस तरह से लगाया जाता है। तो मेन सप्लाई और एंटीने की सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है। अब बारी आती है रिवर्स पार्किंग कैमरे के वायर की, जो यहाँ से लिया जाता है और यहाँ से लेके पीछे तक, यहाँ से ऊपर साइड से जाता है और पीछे रिवर्स कैमरे में अटैच कर दिया जाता है। रिवर्स कैमरे का जो एक केबल होता है RC केबल, वो ये होता है। और इसका ये रेड कलर का जो वायर होता है ये हमारे प्लेयर के सॉकेट के ब्राउन कलर के वायर में, इसमें बैक लिखा रहता है, इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब बारी आती है USB केबल की, जो हम इसमें दो USB केबल लगाने वाले हैं। ये है हमारी USB केबल, इसको हम प्लेयर में, ये वाला पार्ट जो है प्लेयर में लगाएंगे और इसका दूसरा जो पार्ट है वो आपके डैशबोर्ड के स्मॉल डिग्गी के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर आप USB लगा के सॉन्ग और वीडियो सॉन्ग सुन सकते हो। तो अब बारी आती है GPS को लगाने की। तो ये है हमारा GPS जो हम इस प्लेयर में लगाने वाले हैं। GPS का काम है आपका नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना। नेविगेशन आप जो यूज़ करोगे उसका जो नेटवर्क है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो दोस्तों फ्रंट साइड से हमारा पूरा वायरिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्लेयर को लगा देते हैं, किस तरह से लगाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वायर लगाते हैं हम मेन सप्लाई का। तो दोस्तों मेन सप्लाई का वायर हमें लगा दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे रेडियो का वायर, जो ये है रेडियो का वायर भी हमने इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों पहले सारे वायर हम इसमें लगा देते हैं, फिर आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन सा वायर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको बताते हैं ये जो वायर है ये है GPS का। अब आपको बताते हैं ये मेन सप्लाई का वायर है, ये है रेडियो एंटीने का वायर, ये है GPS का वायर, और ये जो केबल आप देख रहे हो ये है रिवर्स कैमरे का वायर जो हमने यहाँ RC केबल में अटैच कर रखा है। ये दो USB के केबल है, यहाँ से होते हुए डैशबोर्ड में यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आप USB लगा सकते हो सॉन्ग सुनने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग इसकी कर दी है।
अब बारी आती है प्लेयर को गाड़ी में लगाने की, तो ये भी एकदम ईजी है। प्लेयर को रखना है और इस तरह से पुश करना है, लॉक टू लॉक फिटिंग होती है, ये चाबी ऑन करेंगे और प्लेयर जो है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों प्लेयर हमारा रेडी है, आगे का वर्क पूरा फिनिश हो गया है, खाली सिल्वर पट्टी पर लगानी है। रिवर्स कैमरे की वायरिंग हमारी यहाँ तक पहुँची है, अब यस भाई इसको पीछे तक ले जाएंगे। ये है हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा एलईडी वाला, जो कि हम पीछे लगाने वाले हैं। तो रिवर्स कैमरे से लगाने से पहले स्टीयरिंग कंट्रोल की हम सेटिंग कर देते हैं, ये आपको दिखाते हैं किस तरह से की जाती है। सबसे पहले प्लेयर के एप्लीकेशन में आगे आपको जाना है स्टीयरिंग कंट्रोल पे, और उसके जाने के बाद यहाँ से आपको जो है सेटिंग करना पड़ेगी। सेटिंग पूरी करने के बाद जो स्टीयरिंग कंट्रोल है आपके वो प्रॉपर वर्क करेंगे। वॉल्यूम अप करोगे, ये देखिए इस तरह से, या कम करोगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगा। सारे जो नीचे के बटन हैं ब्लूटूथ के, कॉल आंसरिंग के, कॉल डिस्कनेक्ट के, सब प्रॉपर वर्क करते हैं। अगर आपकी गाड़ी के फॉग लैम्प ऑन है तो इसमें दिखाएगा स्क्रीन में कि गाड़ी के फॉग लैम्प ऑन है, ये सिस्टम भी इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ हमने फिट कर दिया है, जो कि चार कंपनी फिटेड जो सेंसर है उसके सेंटर में हमने लगाया है, आप देख सकते हो एलईडी वाला रिवर्स पार्किंग कैमरा। और अब आपको प्लेयर की थोड़ा पास से फिनिशिंग दिखाते हैं, ये देखिए पूरा जो हमने खोला था परफेक्ट लगा दिया है। ये इसका फ्रेम है, कट टू कट 00 फिनिशिंग है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने प्लेयर बाहर से लगवाया है, पूरा कंपनी फिटेड ही दिखता है। आप इसको देख सकते हो पूरा कंपनी वर्क जो करता है, ओरिजिनल पूरा सिस्टम उसी तरह से ही वर्क करेगा। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी वीडियो पिक्चर क्वालिटी किस तरह से। ये देखिए वीडियो फोल्डर में हम जाएंगे तो इसका फुल HD जो वीडियो है वो इसमें चल रहा है, वीडियो जरा भी फटता नहीं है, फुल HD चलता है और एकदम स्मूथ चलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।